संतान प्राप्त होने से पहले भगवान देते हैं संकेत। जी हाँ, गर्भधारण के पूर्व या प्रेगनेंसी के पूर्व स्वयं ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके घर में नए मेहमान का जन्म होने वाला है, आपके गर्भ में संतान आने वाली है और आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का संबंध जुड़ने वाला है जो किसी दूसरी दुनिया से आने वाला है। जिया और इस बात का संकेत ईश्वर पहले ही दे देते हैं, बस हमें देखने और समझने की जरूरत होती है। तो क्या होते हैं वो संकेत जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है, अर्थात आपके घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट होने वाली है या किसी महिला को गर्भधारण होने वाला है। ईश्वर के वो संकेत जो आपको सुनना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला संकेत, जिस महीने आपको गर्भधारण होने वाला होता है उस महीने के कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले आपको छोटे छोटे बच्चे सपने में दिखाई देने लग जाते हैं। साथ ही साथ आप किसी जगह पर जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों से अपने आप को घिरा हुआ देखते हैं। छोटे बच्चे आपकी गोद में आकर बहुत खुश हो जाते हैं, आपसे लाड़ प्यार करते हैं। ये जो संकेत है कहीं ना कहीं आपके घर में नए मेहमान के आने का संकेत देता है। साथ ही साथ दूसरा जो संकेत है, अगर आप अपने सपने में फल को देखते हैं, हरे भरे वृक्षों को देखते हैं, फल से लदे हुए वृक्षों को देखते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण का या किसी भी देवता का सपने में दर्शन करते हैं, तो इससे भी समझना चाहिए कि आपके घर में संतान आने वाली है, आपके घर में खुशियां आने वाली है। दूसरा जो संकेत है, आप जब भी भगवान का पूजन करें, किसी मंदिर में जाएं या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर या भगवान के स्थान पर जाएं और आपके जाते ही भगवान को प्रणाम करते ही पुष्प नीचे गिर जाए, फल लुढ़क कर नीचे आ जाए, भगवान की माला टूटकर गिर जाए, तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। और ये संकेत भी बताता है कि आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है, आपके जीवन में खुशियां होने वाली हैं। फिर अगला जो संकेत है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और वह मेहमान आकर जो है खिलौने लेकर आ जाए, बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए चॉकलेट बिस्किट अगर लेकर आ जाता है जबकि आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मेहमान अगर ऐसी चीजें लेकर आता है तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपके घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, बहुत जल्द आपके घर में किसी संतान का जन्म होने वाला है। साथ ही साथ एक बात का और विशेष लक्षण आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप अपने सपने में भगवान को दूध से नहला रहे हैं, भगवान का पुष्प से पूजन कर रहे हैं या फिर आप फूल का चयन कर रहे हैं, अपने आप को पुष्प तोड़ते हुए देख रहे हैं, तब भी ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। उसी के साथ साथ एक सबसे अच्छा और 100% वर्क करने वाला, 100% शुभ लक्षण वाला एक और उपाय है। जब आपके घर में खुशियां आने वाली होती हैं, जब आपके घर में संतान का जन्म होने वाला होता है, तो उस महीने में पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होने लगता है। दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं। ये वो सबसे बड़ा लक्षण है जो ये बताता है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, संतान आने वाली है। उसी समय पति अपनी पत्नी को अगर कोई उपहार दे देता है, तब तो इस बात को समझ ही लेना चाहिए कि आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे अगली बार वीडियो बनाने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं काफी उत्साहित होता हूं और फिर आपके लिए अच्छे अच्छे और भी कंटेंट ढूंढकर और वीडियो क्रिएट करके आप तक लेकर आता हूं। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।